आप बिलीव नहीं करोगे, बट इस कार की जो वेटिंग है वो 8 मंथ है। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब? सब बहुत ही अच्छे हो गए, उम्मीद करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर हूँ आपको GLS जो कि मर्सिडीज की सेकेंड जनरेशन कार है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। चैनल पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें अगर आपको GLS पसंद है और लग्जरी लड़का। GLS ये कार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड। तो बता देता हूँ आप सबको कि इस कार का सेकेंड जनरेशन है ये। GLS में दो ऑप्शन मिल जाते हैं आप सबको, जो कि एक पेट्रोल इंजन है, एक डीजल इंजन है। जो पेट्रोल इंजन है वो 450 है, जिसका मैं बताऊंगा आपको, 3 लीटर इंजन है एंड देन 367 BHP पावर है, जो कि इतनी हैवी, इतनी पावरफुल कार होने के बाद भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 6.2 सेकेंड ओनली। कैन यू बिलीव दैट? और डीजल इंजन की बात अगर मैं करता हूँ तो इसमें 3 लीटर इंजन मिल जाता है आपको, और इसकी जो पावर आउटपुट है वो 345 BHP आती है। इसका एक्सेलरेशन 0 to 100 6.3 सेकेंड है 700 Nm के टॉर्क के साथ। तो फ्रेंड्स, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स दिए हैं मर्सिडीज ने, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो 650 मीटर की विजिबिलिटी है, जो कि क्वाइट अमेजिंग। मतलब अगर आपकी आप कोई भी कार ड्राइव करो, अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है तो आपकी कार, आप और सामने वाला सेफ है। इसमें एक और एडवांस फीचर दिया हुआ है, आप हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हो और अगर अपकमिंग ट्रैफिक होता है तो अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक कार ऑटोमेटिकली सेंस करती है और उसके लिए लो बीम हो जाती है, पर आपके लिए हाई बीम रहती है। इस कार में 21 इंच का अलॉय व्हील यूज़ किया गया है विथ 3555 स्पोक। मर्सिडीज GLS में आपको एयर सस्पेंशन मिल जाता है, इसको एयरमेटिक कहते हैं मर्सिडीज लैंग्वेज में, जो कि आप अगर कभी ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपकी कार काफ़ी सेफ रहती है और आपको कार को लेके रुकना नहीं पड़ता। इसका कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं तो BMW की X7 से होता है। प्राइस वाइज तो नहीं कहूँगा, बट Audi कंपेयर करती है मर्सिडीज GLS को, क्योंकि वो भी 7 सीटर में आती है, क्योंकि GLS इज़ द प्रॉपर 7 सीटर। अगर आप किसी भी कार से कंपेयर करते हैं, जो थर्ड रो होती है 7 सीटर की, जो कि GLS में मिलती है, वो आपको किसी भी कंपैरिजन मॉडल में नहीं मिलेगी। दैट्स वाई द रीज़न ये इतना ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट, 4Matic। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कार नाम से कम 4Matic के नाम से ज़्यादा बिकती है। बूट स्पेस चेक करते हैं इस कार का, 7 सीटर होने के बाद फिर भी काफ़ी सफिशियंट बूट स्पेस मिल जाता है। ये न्यू कार है, आप देख सकते हो, इसके अंदर iPad आता है, एसेसरीज पार्ट है ये। सेकेंड की जो होती है वो आपकी कार की की इसी पैकेज में आ जाती है, फर्स्ट एड आपको मिल जाता है इसमें। एंड देन आप सीट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं यहां से, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल है। दिस इज एक्चुअली कंफर्ट, अगर आप चाहो तो एक गद्दा लगा करके सो भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप की गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है और आपकी हाइट शॉर्ट है, कुछ हैवी लगेज रखना है, तो यहाँ से आप रियर सस्पेंशन डाउन कर सकते हो। दैट्स वाई द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया, मर्सिडीज GLS। आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं कार के बूट को बंद करने के लिए, अगर हाइट शॉर्ट है यहाँ पे तो आप यहाँ से इसको ओपन करके यहीं पर रोक सकते हैं एंड देन फिर से क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं कार में कितना कंफर्टेबली बैठा हूँ, आप खुद भी एक बार बैठ के ट्राई करिए। अगर आप ज़्यादा टायर्ड हैं और आंखें बंद करते हैं, जो इसका हेडरेस्ट कुशिंग्स है ना, तो आप सो जाओगे 5 मिनट में। एंड द बेस्ट पार्ट, आप देखोगे यहाँ पे भी इन्होंने एम्बियंस दी है, ये 64 कलर्स एम्बियंस लाइट हैं, जो कार को और ज़्यादा इंटीरियर को बहुत ही प्यारा बनाती हैं। बमस्टर म्यूज़िक सिस्टम दिया है, सराउंडिंग सिस्टम। आप यहाँ से सीट्स ऑपरेट कर सकते हैं, आप देख रहे हो मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, आई कैन फील लाइक एज अ बिजनेस मैन एंड आई कैन फील लाइक अ बिजनेस क्लास सीट। आप आगे भी ऑपरेट कर सकते हो सीट को। पैनारोमिक सनरूफ दिया है स्लाइडिंग के साथ, iPad दिया है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके आ जाते हैं, यहाँ से आप एम्बियंस कलर चेक कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, आप
कुछ भी सारे ऑपरेशंस कार के यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं और इसको आप हटा करके यूज भी कर सकते हैं। एंड इतनी बड़ी कार है तो एसी की रिक्वायरमेंट तो बनती है अच्छी कूलिंग की। तो इस कार में मर्सिडीज जीएलएस ने आपको 5 जोन एसी दिया है, 2 फ्रंट 2 सेकेंड रियर एंड देन 3rd आपको पीछे मिल जाता है। सो फ्रेंड्स फाइनली ड्राइवर सीट पे आ गया हूँ। इसका कॉकपिट व्यू बहुत ही अच्छा है और टच स्क्रीन है, ये यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। मर्सिडीज़ का ये यूनिक हो गया है सिंबल, इन्होंने ये सारी हर मॉडल में, आप बात करें ई क्लास की, आप बात करें अगर लाइक जीएलएस की, जीएलई की, तो इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया है ये। इस वजह से कार का व्यू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। मर्सिडीज़ में SOS फीचर आता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि इसमें कार में सिम इनबिल्ट होता है, अपनी कार इंटरनेशनली बैठ के भी ट्रैक कर सकते हो, एक सर्कल सेट कर सकते हो, अगर बियॉन्ड द सर्कल कार जाती है तो आपको पता चल जाता है। काफ़ी बड़ा साइज़ है एंड काफ़ी स्पेसियस है कार, जो कि कार को काफ़ी कम्फर्टेबली बनाती है। यहाँ से आप स्टेयरिंग से सारे कंट्रोल, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप होम की यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, आप देख सकते हो मैं स्टेयरिंग से ही होम की ऑपरेट कर रहा हूँ। ओके, और अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, होम स्क्रीन पे जा करके ये सारे ऑप्शन डिस्प्ले के मिल जाते हैं। अगर डिस्प्ले सेटिंग चेंज करनी है, कितना सब कुछ मिल जाता है, आपके स्टीयरिंग पे ही सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको मर्सिडीज में जीएलएस में आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाता है और आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 पोस्चर में आप कार को सेट कर सकते हैं, सीटिंग्स को, स्टेयरिंग्स को, अपने हिसाब से। और इसमें आपको एयर सस्पेंशन जो बताया था वो मिल जाता है, वो यहाँ से ऑपरेट होता है, आपकी कार डाउन होती है, आपकी कार अप होती है, अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं ये ऑप्शन आपको बताता है। अगर आप पुल करेंगे तो कार की हाइट इंक्रीज होगी, डाउन करेंगे तो कार डाउन जाएगी, आप देख सकते होंगे वह कार नीचे जा रही है, यहाँ पर स्क्रीन में दिखता है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना चाहूँगा 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, आपको मर्सिडीज़ भी दिख रही होंगी, एक ये एंगल दिखता है एंड ये पूरी कार का जैसे कि सैटेलाइट कैमरा आपको व्यू मिल रहा हो। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक्यूरेट पार्किंग मिल जाती है, बगल में एक कार खड़ी आप देख सकते हो, मार्क्स भी हैं। एंड देन अगर मैं इसको ड्राइविंग पे जाता हूँ मोड पे, तो यू कैन सी कि कार का ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है, सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर पार्किंग। एंड देन कैमरा की क्लियरिटी आप चेक कर सकते हो, आप कैमरे के व्यूज़ भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा वाइड साइड्स के आप चेक करना चाहो, फ्रंट देख सकते हो, फ्रंट का ब्रॉड में, एंड देन पार्किंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस कार में ऑटोमेटिक पार्किंग भी मिल जाती है, जो कि अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। इस कार में आपको फ्रीज़र मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, आप उसको स्पेस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ कैन और पानी की बॉटल रखते हैं तो वो टेम्परेचर भी ठंडा कर देती है गाड़ी आपका। कम्फर्ट में अगर हम जाते हैं तो आपको सीट कम्फर्ट बढ़ जाता है, सीट काइनेटिक्स मिल जाती है, जो कि आपको हाई ड्राइव्स अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सीट का ड्राइविंग अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मेरा पोस्चर, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, पोस्चर चेंज हो रहा है, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और ड्राइव हम स्मूथली कर पाते हैं। एम्बियंट कलर इस कार में आ जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा इस कार का इंटीरियर बना देता है, लाइक 64 कलर्स एम्बियंट आते हैं इस कार में। ओके, ये ब्राइटनेस जोन एंड देन वी आर गोइंग आउट, एम्बियंट सेटिंग कलर्स ये देख सकते हैं आप, है ना, मल्टी कलर्स में जाते हैं तो हमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं। सीधा इंटीरियर मैं कहूँगा आप सब लोग जाओ और इस कार को देखो, ड्राइव करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके प्लीज़ कुछ ना कुछ तो बोल डालो, जो सही हो गलत हो।